हेलो जी, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, मिस ज्योति के लास्ट ब्लॉग में। चलिए इधर आओ तो चल। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं रेडी हुई हूँ, बच्चे रेडी हुए हैं, ये देखो। तो मैंने इनको रेडी इसलिए किया है क्योंकि किट्टू के स्कूल में आज फंक्शन है। किट्टू हाय करो। हाय। किट्टू को भी मैंने खाना बना रखा है। क्या रखना है तेरे बैग में? तेरे बैग में क्या रखना है? इधर देख, इधर ये लकड़ी तो मैम दे देंगे। अरे मैम के पास बांसुरी है। तो आज किट्टू के स्कूल में फंक्शन है तो वहीं जा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो चेरी को भी रेडी करके, जब किट्टू को रेडी कर रही थी तो चेरी भी रो रहा था, तो मैंने सोचा चलो दोनों को रेडी करके ले जाती हूँ। जितनी देर चेरी रुकेगा उतनी देर इसको भी छोड़ दूंगी और फिर मैं और किट्टू दोनों आ जाएंगे। ठीक है, बने रहिए आप ब्लॉग में। चलिए चलते हैं स्कूल। चलो बोल है, चलो। हेलो जी, तो आप सभी को राधे राधे। और हम सब निकल चुके हैं विद पूरी फैमिली। पतिदेव जी मुझे छोड़कर ही आएंगे वहाँ। किट्टू को जब मैं रेडी कर रही थी, खाना बना रही थी, तो फिर चेरी भी रोने लग गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको भी रेडी करके मैं भी चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं भी स्कूल में देख के आ जाऊँगी, मेरा भी मन बहल जाएगा क्योंकि बच्चे इतने हैं, तो मुझे भी देखने को मिल जाएंगे कौन क्या परफॉर्म कर रहा है। और ये देखिए छोटा सा खाना कितना क्यूट है, मतलब तैयार करके भेजा है। मेरे पास तो इतना सामान नहीं था और मेन मेरा बच्चा ही ऐसा है कि मैं उसको कुछ भी पहना दूँ तो उसमें भी वो नाटकी करेगा। पूरा स्कूल के बच्चे, मतलब बहुत से बच्चे बन के आए हैं। काना, राधा, डांस भी होगा यहाँ पर, तो आप वीडियो में आगे तक बने रहिए। और इसको मैं बता रही हूँ किट्टू को, देख ये तेरे जैसा ही काना बन के आया है, तो इसने कितने कान में, कुंडल में, गले में पहन रखे हैं। अगर मैं तेरे को पहना दूँगी तो तू एक सेकंड में ही खोल देगा। ये मुकुट भी इसने 10 बार खोल दिया था। तो यहाँ आके थोड़ी सी देर बैठे थे क्योंकि बच्चे और भी कई सारे रेडी हो रहे थे। कोई काना बन रहा था, कोई राधा बन रही थी डांस के लिए। और ये रहा यहाँ पर होगा प्रोग्राम, मंच बोल सकते हो। और कुछ इस तरीके से थी डेकोरेशन। मैं तो दूर बैठी थी, मैंने सोचा कि मैं सामने ही बैठूँगी तो अच्छे से वीडियो बन पाएगी, तो मैं दोनों बच्चों को साथ में ही लेके बैठ गई हूँ। और मेन है ना, मैं किट्टू की वजह से आई हूँ यहाँ के, चेरी की वजह से, सॉरी, क्योंकि किट्टू को जब मैं रेडी कर रही थी ना तो चेरी भी रो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसने यहाँ पर खूब इंजॉय किया चेरी ने। किट्टू ने तो मुझे पूरा परेशान ही किया, लेकिन चेरी ने मुझे खूब इंजॉय किया। और ये किट्टू का स्कूल है और ये किट्टू की स्कूल की यूनिफॉर्म है, ब्लू और वाइट, 3 दिन की ये है, तो सारे बच्चे एक जैसे दिख रहे हैं। और डांस प्रोग्राम शुरू हो गया है, तो मैं पूरे सॉन्ग तो नहीं ला पाऊँगी वीडियो में, क्योंकि अगर आप यूट्यूब का नहीं नॉलेज है तो मैं बता देती हूँ कि यूट्यूब का एक गाइडलाइन होता है कि उसमें मतलब सॉन्ग यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो रियल सॉन्ग होते हैं ना, उससे हमारा चैनल बंद हो जाता है। इसी वजह से मैं सॉन्ग तो नहीं ला पाऊँगी, लेकिन थोड़ी स्पीड बढ़ा दूँगी तो आप एडजस्ट कर लेना। सॉरी, तो इसी तरीके के आपको सॉन्ग सुनाई देंगे, स्पीड बढ़ा दी मैंने। चेरी ने खूब इंजॉय किया, मुझे बार बार बस चेरी पर ही ला डाला था, इतने ताली बजा रहा था डांस देख देख कर, इतने डांस ताली बजा रहा था बच्चों को देख देख कर। मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों का डांस था, छोटे छोटे के बच्चों का डांस बहुत अच्छा लगा। मतलब उनको नहीं भी आता है फिर भी इतना अच्छा डांस करते हैं, मन करता है उनको देखते ही जाओ। इतनी उम्र में इतना अच्छा डांस करना बहुत अच्छी बात है यार, मतलब अच्छा लगा बहुत। एक से एक डांस किए थे। और यहाँ किट्टू बोल रहा है कि मेरा मुकुट खोल दो, मुझे ड्रेस पहना दो, यूनिफॉर्म पहना दो, मुझे ये नहीं पहना है, तो मैं उसको समझा रही हूँ। तो
सबने बहुत अच्छे किए थे, लेकिन मेरी यही है ना कि मैं YouTube चैनल पर अपने सॉन्ग यूज़ नहीं कर सकती। बाकी मैं आपको पूरे पूरे डांस के वीडियो दिखा देती, मुझे क्या है, लेकिन मेरा चैनल बस वही है। इसी वजह से मैंने थोड़ी स्पीड बना दी थी सॉन्ग की, पता नहीं इसमें भी कॉपीराइट आ जाएगा तो मैं उसके बाद में यहाँ सारे बच्चों को मैं दिखा रही हूँ, तो बच्चे शायद मुझे लगता है कि जानते हैं मुझे कि मैं वीडियो बनाती हूँ, इसीलिए जैसे ही मेरा मोबाइल गया तो सब हेलो बोल रहे थे। अगर मुझे जानते हो बच्चे हो तो थैंक यू वेरी मच, मेरा वीडियो देखते हो तो। यहाँ सर और ये मटकी भी बांध रहे थे, मैंने सोचा था मटकी देख कर ही जाऊँगी मटकी फॉर कार्यक्रम, क्योंकि जन्माष्टमी पर हम नहीं जा पाए थे बारिश की वजह से, मतलब कुछ भी कार्यक्रम नहीं हो पाया। बाकी हर साल तो होता है लेकिन इस बार नहीं हो पाया हमारे यहाँ, तो मैं सोच रही थी मटकी फॉर कार्यक्रम देखते ही जाऊँगी, लेकिन वही है ना कि बच्चों के सामने किसकी जीत चलती है। बड़े वाले तो फिर भी प्रोग्राम अच्छा करे तो खा लेते हैं, खाला फिर मैं करती हूँ बात आपसे क्या हुआ। तो हे फैमिली, अभी हमने खाना खाया सुबह का, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। पहले इतना हो गया है 2:05, पता है। खाना खा के हस्बैंड जी बाहर गए हैं, बर्तन ऐसे कैसे ही पड़े हैं अभी इनको हटाने हैं। चेरी वहाँ क्या है परेशान करने लग गया था मुझे, देखो तो मैंने इसको सुला दिया है। क्या है कि वहाँ धूप थी एक तो, फिर क्या है इसका सोने का टाइम भी हो गया था, तो ये मुझे बहुत परेशान करने लग गया था, तो इस वजह से मैं नहीं रुक पाई। बाकी मेरा मन था कि मैं रुकूँ वहाँ, देखूँ, इंजॉय करूँ, क्या है घर पर आकर भी वैसे भी, लेकिन वही है ना कि बच्चों के आगे किसकी जोर चलती है, तो मुझे जबरन आना पड़ा। हस्बैंड जी को फ़ोन लगाया, फिर ये मुझे लेने आ गए थे, जल्दबाजी में मैं आ गई थी, फिर इसको मैंने सुला दिया। ये देखो उसके बाद हमने खाना खाया, अभी सुबह का हमें खाना खाना था क्योंकि उसका स्कूल का टाइम 11 बजे का ही था, तो मैं ऐसे बिना खाना खाए खाना खाए चली गई थी। बच्चों को तो मैंने खिला दिया था लेकिन मैंने नहीं खाया था, अब खाया है खाना भूखे भूखे मर गई देखने के चक्कर में। तो खैर अभी मेरा सारा काम पड़ा है, झाड़ू एक बार लगा दिया, पोछा पड़ा है, कपड़े पड़े हैं, बर्तन सारे पड़े हैं, ये सब निपटा देती हूँ। और सबसे पहले तो मैं सोच रही हूँ कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि वाइट कलर की साड़ी तो कुछ भी काम नहीं होगा, आपको पता ही है। तो पहन लेती हूँ नॉर्मल डेली वेयर के कपड़े और लग जाती हूँ अपने कामों में। ये देखो पूरा का पूरा बिखेरा ऐसा वैसा ही पड़ा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे आफ्टर 2 घंटे। जी हाँ, मुझे इतना सारा काम करने में 2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। और ये मेरी साड़ी वाइट कलर की बहुत पुरानी है, फेंकने का मन नहीं करता, पहनने का मन नहीं करता, पर क्या करूँ, इस वजह से मुझे जबरन पहननी पड़ी। पहनने के बाद अच्छी लगती है, लेकिन मुझे अच्छी लगती, लेकिन अब पहनने का मन नहीं करता है, मेरा करता है लेकिन मैं सोचती हूँ कि दूसरे क्या बोलेंगे, सफ़ेद कलर पहन रखा है, इस वजह से मैं कम पहनती हूँ। देखो आपको कैसी लगी ये साड़ी कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आप बोलोगे कि इसको अगली बार पहनूँ तो पहनूंगी, बाकी मैं इसका तकिए के खोले कर दूँगी या फिर पर्दे कर दूँगी, ऐसा सोच रही हूँ मैं इसको। ठीक है, मैं इसको आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। और पूरी साड़ी ये कुछ इस तरीके से दिखती है, लगती अच्छी है पहनने पर, लेकिन चलिए मिलते हैं सारा काम फिनिश करने के बाद। जैसे इसको सुलाया, थोड़ी देर सोया, मैंने काम वाम किया कि फिर किट्टू के स्कूल का फोन आ गया था मैम का 3 बजे, आज इस किट्टू की छुट्टी हो गई, तो फिर उसको लाए, उसको सुलाया ये उठ गया हमारे छोटे से कृष्ण कन्हैया। तो देखो वो वहाँ सोया है, देखो आते चीरू ले। तो यहाँ पति देव जी ने बोला चाय बना दे, मुझे भी चाय पीनी ही थी क्योंकि मैंने भी दिन की चाय नहीं पीती और समथिंग 4 बज गया था। तो पति देव जी आप सोच रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं प्रपंच, तो मैं बता दूं आपको कि ये बाहर काम कर रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इनको चाय दे देती हूँ और ऊपर एक मेम्बर्स और है तो मैं इनको 2 कप पकड़ा रही हूँ कि आप ले जाओ ऊपर ही पी लेना। ऊपर टंकी का कुछ काम कर रहे शायद, तो पानी की टंकी का। और ये देखिए मैं आपको दिखा नहीं हूँ बाहर, जो हमने 2-3 दिन पहले खोदा था
नाली के यहाँ, तो ये इन्होंने सही किया, इसी वजह से ये अंदर नहीं आ पाए थे। और सही भी किया और पानी भी आ गया, देखो इतना जोरों से पानी आ गया। ये भुट्टे जो कल है ना मैंने थैली बताई थी ना, वो ऐसी कैसी पड़ी रह गई, दो भुट्टे सेके हैं, सिर्फ दो भुट्टे सेके हैं और वो थैली ऐसी कैसी रह गई थी। मुझे पता है कि ये गैस पर सेक के नहीं खाते हैं, लेकिन अब बाहर आपने देखा ही होगा पानी आ रहा है, तो बाहर कहाँ सेके बताओ आप। अभी एक किसी का कमेंट भी आया था कि गैस के भुट्टे कच्चे रहते हैं, मैंने देखा है स्क्रीन पर, उसको मैंने जवाब नहीं दिया है किसका आया था, लेकिन मैंने देखा है। तो डियर मैं बता दूं, हमारे यहाँ इतनी बारिश हो रही है 4 दिनों से कि भुट्टे सेकने का सवाल ही नहीं है। तो ऐसी, और ये हम लेके नहीं आए हैं, ये है ना इनके कोई दोस्त इनको देख के चले गए हैं, तब अब इनको वेस्टेज तो कर नहीं सकते हैं, हालांकि इनकी पकौड़ी बना के खा सकते हैं, लेकिन इनका खाने का शौक है। देखो ये मुझे क्यों सेकने पड़ रहे हैं, देखो ये कच्चे ही लेके खाने लग गया, देखो देखो ये दो सेक चुकी हूँ मैं। पता है मुझे कि कच्चे रहते इसलिए मैंने जला दिए हैं, जैसे भी है खा लेते हैं। पकौड़ी बनाने का था लेकिन 2-3 भुट्टे से पकौड़ी नहीं बनती, इसलिए मैंने नहीं बनाया, और उसमें से अगर बच्चे देख लेते तो फिर ये भी खाने की जिद करते हैं। खा लेते हैं, 5 बज गया है और इस वीडियो को मैं यहीं कर देती हूँ एंड, क्योंकि मुझे लगता है वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया होगा। तो चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट।